चलिए अब आपको एक ऐसे राम भक्त से मिलवाते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अन्न त्याग दिया, चप्पल पहनना छोड़ दिया और 40 सालों से मौन साधना कर रहे हैं। अब संत 40 सालों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपना व्रत तोड़ने जा रहे हैं। कौन है ये संत, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान श्री राम की अनोखी भक्ति, 4 दशक मौन साधना का संकल्प, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, 40 साल बाद मौनी बाबा तोड़ेंगे मौन व्रत। एक ऐसे संत जिनका संकल्प और प्रतिज्ञा सुनकर आप स्तंभ रह जाएंगे। पिछले करीब 40 सालों से राम भक्त मौनी बाबा खामोश है। राम भक्ति में लीन मौनी बाबा ने 1980 में प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नंगे पैर रहेंगे और मौन साधना करेंगे। अब भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर अपना स्वरूप ले रहा है तो मौनी बाबा भी अपना मौन व्रत तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 40 साल बाद मौन साधना में लीन मौनी बाबा 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहन गोपाल दास यानी मौनी बाबा स्लेट बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि अपनी बात सामने वाले को समझाने के स्लेट से सब कुछ बयां करते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने जब मौनी बाबा से बातचीत की तो उन्होंने स्लेट पर लिखकर ये घोषणा भी की कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपना मौन व्रत खोलेंगे। मोहन गोपाल दास मौनी बाबा हैं ये, और कब से आपने ये व्रत लिया हुआ था? बकायदा उन्होंने लिखा है कि वह नंगे पैर होकर और ये इस संकल्प के साथ हैं। ये हम आपको बता दें, ये पढ़कर सुना दें कि महाशिवरात्रि 1980 से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की विवाद मुक्त विराजमान जो होंगे उसको वो नंगे पैर एवं जमीन पर शयन अन्न त्याग उन्होंने सब इसमें लिख रखा है। उन्होंने ये सब किया हुआ है बकायदा, और 1984 से निरंतर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। और राम भक्त मोहन गोपाल दास शिष्य गोलोकवासी श्री दामोदर दास मौनी बाबा हैं ये, और इनका यह प्रण निश्चित रूप से पूरा होगा। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मौनी बाबा बेहद खुश हैं और अवध नगरी में रामलला के विराजमान होने के अवसर का साक्षी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मौनी बाबा अपने साथ एक पैम्पलेट भी लिए रहते हैं जिस पर उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। राम मंदिर के 40 साल से अधिक समय तक अन्न त्यागना, नंगे पैर चलना और मौन व्रत रखना साधारण त्याग नहीं। उनका त्याग बताता है कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था और प्रेम कितनी है। अब मौनी बाबा को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी का इंतजार है जब उनके मुख से जय श्री राम निकलेगा। बहुत खुशी की बात है कि 22 तारीख में भगवान श्री राम अपने परिवार सहित श्री रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और उस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। और निश्चित रूप से 40 साल से जो संकल्प मौनी बाबा ने लिया हुआ था वह भी पूरा होगा, और ये उस अयोध्या की महाआरती में शामिल होंगे और इनका मौन व्रत वहीं खुलेगा। तत्व सिंह, न्यूज स्टेट।